पश्चिमी बंगाल की सियासत में इन दिनों बड़े खेल की अटकलें लगाई जा रही है। सियासी गलियारों में एक सवाल जोर शोर से उठ रहा है कि बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी क्या पार्टी का हाथ छोड़ने वाले हैं। अधीर के हालिया बयानों ने बगावत के इस अंदेशे को और हवा दे दी है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें एक तरह से सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने यह तक कह दिया कि अधीर या तो पार्टी लाइन को फॉलो करे या फिर बाहर चले जाए। इस बीच अधीर रंजन को लेकर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही एक बात फिर से चर्चा में आ गई है और लोग इसे लेकर कई मायने निकाल रहे हैं। ऐसे में अधीर रंजन चौधरी के इस बगावती तेवर को देखते हुए कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच वे लोकसभा में अधीर को लेकर दिए पीएम मोदी के एक बयान को याद दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। इस दौरान सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का जिक्र करते हुए कहा था, इस अविश्वास प्रस्ताव में कुछ ऐसी विचित्र चीजें भी नजर आई जो पहले कभी नहीं देखी गई न सुनी गई। विपक्ष के सबसे बड़े नेता का नाम बोलने वालों की सूची में ही नहीं था। पीएम मोदी ने फिर कांग्रेस पर ममता बनर्जी के दबाव में काम करने का इशारा करते हुए कहा था, मुझे नहीं मालूम कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है, क्यों अधीर बाबू को दरकिनार कर दिया गया, पता नहीं कलकत्ता से कोई फोन आया है, इस बार अधीर बाबू का क्या हाल हो गया। अब बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और फिर पीएम मोदी के इन बयानों की चर्चा जोरों पर है और सभी की नजर अधीर के अगले कदम पर टिकी है। वहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान के कई आला नेताओं के इशारों के बाद एक दिन बाद ही खड़गे को यू टर्न लेते हुए अधीर रंजन के प्रति अपने तेवर ढीले करने पड़े। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ सख्त बयान देने के ठीक एक दिन बाद अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे के तेवर नरम पड़ गए और उन्होंने यू टर्न लेते हुए कहा कि अधीर कांग्रेस से पार्टी के एक लड़ाकू सिपाही है और पश्चिमी बंगाल में हमारे नेता है। अब सवाल यह है कि क्या खड़गे को कांग्रेस हाईकमान ने अधीर रंजन चौधरी के कद का एहसास दिलाया है कि वह खड़गे की बराबरी के ही नेता है। मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे यह बात भूल गए हैं कि अधीर रंजन चौधरी सिर्फ पश्चिमी बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष ही नहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता भी है। 2014 में मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसी सूची में थे लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव हार जाने के कारण मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कांग्रेस को राज्यसभा में भेजने का इंतजाम करना पड़ा। राज्यसभा में फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे भी उसी पोजीशन में है जो लोकसभा में अधीर रंजन की पोजीशन है। सियासी पंडितों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी की तकरार से एक बात तो साफ हो गई है कि बंगाल में ममता बनर्जी के प्रति राहुल गांधी का स्टैंड बदला नहीं है। राहुल गांधी दिल्ली में ममता बनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते लेकिन कोलकाता में वो ममता बनर्जी के खिलाफ बस इतना ही कर पाते हैं कि उनके पीछे अधीर रंजन को लगा देते हैं। यहां इस बात को समझना होगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करके असल में राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया था। ममता बनर्जी ने यह ऐलान न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी के पश्चिमी बंगाल में दाखिल होने के ठीक एक दिन पहले किया था। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।